नमस्कार विद्यार्थियों, बीए पार्ट थर्ड की कक्षा में आपका स्वागत। कल हम सामंतर माध्य के बारे में पढ़ चुके थे, आज उसके बाद सामूहिक समांतर माध्य। जब दो या अधिक श्रेणियों का माध्य एक साथ ज्ञात करना हो तो वह सामूहिक समांतर माध्य कहलाता है। जैसे किसी कक्षा में लड़कों का एवरेज अंक हो, लड़कियों का एवरेज अंक हो, तो पूरी कक्षा के सामूहिक औसत अंक ज्ञात करने हो तो उस समय सामूहिक समांतर माध्य का प्रयोग है वो किया जाएगा। सामूहिक समांतर माध्य के लिए दो श्रेणियों का होना आवश्यक है। पहली श्रेणी का माध्य और उसके मूल्य पदों की संख्या, दूसरी श्रेणी का माध्य पदों की संख्या, इसी प्रकार तीसरी, चौथी, पांचवी, कितनी भी श्रेणियां हो सकती हैं बटे में n1+n2+n3। जैसे किसी कक्षा में लड़कों के एवरेज अंक है 50, लड़कियों के औसत अंक है 40, लड़कों की संख्या है 60, लड़कियों की संख्या है 40, तो सामूहिक अंक ज्ञात करने हो तो किस प्रकार करेंगे? x1 = x1 n1, x2 n2 बटे में n1+n2। ये हो गया 3,000 1600 बटा में 100 4600 बटा में 100, ये हो गए 46। औसत अंक कितने हो जाएंगे? 46। इसी प्रकार से तीन श्रेणियां भी हो सकती हैं, विषयों के औसत अंक भी दिए हो सकते हैं, पूरे सामूहिक अंक पूछ लीजिए। जैसे लड़कों के सांख्यिकी में ये अंक है, इकोनॉमिक्स में ये है, हिस्ट्री में और हो, तीनों का एवरेज अपने को दिया हो तो सामूहिक औसत अंक भी अपनी ज्ञात कर सकते हैं। इसी टाइप से क्वेश्चन और बनता है जिसमें प्रतिशत पूछा होता है अपने से।